आयुर्वेदिक उपचार को और सरल बनाने के लिए और आयुर्वेद को समझने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कवियों ने दोहों के रूप में भी इसको लिखा है और ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप सभी दोहों को याद रखें तो इजी भी होगा और याद आ जाएगा। छोटी मोटी जो जीवन की प्रॉब्लम्स होती हैं वो आसानी से सोल्व हो सकती हैं। तो आइए कुछ रोचक आयुर्वेदिक दोहों को जानते हैं आज हम सभी। जहाँ कहीं भी आपको कांटा कोई लग जाए, दूध ही पीस लगाइए, कांटा बाहर आए। यानी कि कांटा चुभ जाए कहीं पर और अंदर रह जाए तो क्या करना है, दूध ही घास जो होती है उसको पीस करके लगा दीजिए, कांटा अपने आप बाहर आ जाएगा। दूसरा दोहा ये लेते हैं, मिश्री कत्था तनिक सा, चूसे मुंह में डाल, मुंह में छाले हो अगर दूर होए तत्काल। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कि मुंह में छाले हो जाते हैं, तो आप मिश्री और कत्था को मिला लीजिए और इसको मुख में रख करके चूसिए, आपकी दूर हो जाएगी समस्या मुंह के छालों की। आइए तीसरा दोहा लेते हैं, पुदीना और इलायची लीजिए दो दो ग्राम, खाएं उसे उबाल कर उल्टी से आराम। जी हाँ, अगर किसी को वोमिटिंग हो रही है तो पुदीना और इलायची दोनों को आप दो दो ग्राम की मात्रा में लीजिए और उसे उबाल दीजिए और उसका सेवन करा दीजिए, इससे उल्टी आनी बंद हो जाएगी। अब आइए चौथा दोहा लेते हैं, अंडी पत्ता वृंत पर चुना तनिक मिलाए, बार बार तिल पर घिसे, तिल बाहर आ जाए। जी हाँ, तिल अगर बहुत ज्यादा है शरीर पर और उसे हटाना चाहते हैं आप, तो अंडी का पत्ता लीजिए, उस पर चूना थोड़ा सा मिलाइए और बार बार तिल पर उसे घिसिए, इससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आइए अगला दोहा जानते हैं, छिलका लें इलायची का दो या तीन ग्राम, सिर दर्द मुंह सूजना लगा होए आराम। जी हाँ, छिलका इलायची का लेना है आपको, इलायची के जो छिलके होते हैं उसे दो या तीन ग्राम की मात्रा में लीजिए, सिर दर्द और मुंह की सूजन को दूर करने के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है, इसको लगाना है और या फिर मुख में रखना है, राहत मिल जाएगी। इसके अलावा अगला दोहा जान लेते हैं, गाजर का रस पीजिए आवश्यकता अनुसार, सभी जगह उपलब्ध है, दूर करे अतिसार। अतिसार की समस्या है आपको तो गाजर के रस का सेवन कीजिए, आपको तत्काल लाभ मिलेगा। अगला दोहा जानते हैं, खट्टा दामिण रस दही गाजर शाक पकाए, दूर करेगा अर्श को जो भी इसको खाए। जी हाँ, खट्टा दामिण लीजिए, दामिण का रस लेना है आपको, दही लेना है, गाजर लेना है, शाक लेना है, इनको पका लेना है अच्छे से। आपको अगर अर्श की समस्या है तो दूर करने के लिए यह बहुत अच्छी औषधि है, इसका सेवन कीजिए। इसके अलावा अगला दोहा जानते हैं, रस अनार की कली का नाक बूंद में दो डाल, खून बहे जो नाक से बंद हुए तत्काल। अगर किसी के नाक से खून बह रहा हो तो दो बूंद बस आपको अनार के कली का रस डाल देना है, राहत मिल जाएगी। अगला दोहा जानते हैं, भून मुनक्का शुद्ध घी सेंधा नमक मिलाए, चक्कर आना बंद हो जो भी इसको खाए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको चक्कर आने की समस्या होती है, उन्हें मुनक्का लेना चाहिए और शुद्ध घी में भून लेना चाहिए और उस पर सेंधा नमक मिलाना चाहिए, छिड़कना चाहिए और उसका सेवन करना चाहिए, इससे चक्कर आना बंद हो जाता है। अगला दोहा लेते हैं, मूली की शाखों का रस ले निकाल 100 ग्राम, तीन बार दिन में पिए पथरी से आराम। जी हाँ, अगर पथरी की समस्या है किसी को तो क्या करना है, मूली की शाखाओं का रस लेना है और कितना लेना है तो 100 ग्राम की मात्रा में और दिन में तीन बार इसका सेवन करना है, इससे आपकी पथरी गल करके बाहर आ जाएगी। तो ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए, जिसमें कि हम सभी ने जाना दोहों से कैसे इलाज संभव है, यानी कि दोहे के मदद से औषधियों के बारे में बेसिकली सीखा हमने कि कुछ एक छोटी छोटी बीमारियां होती हैं जो दैनिक जीवन का रूटीन होते हैं, उनको दूर करने के लिए कैसे आप घर पर उपचार कर सकते हैं। इस संबंध में कैसी लगी ये वीडियो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक शेयर कमेंट हमें इंस्पायर करता है और आगे अच्छी वीडियो लेकर के आने के लिए, तो जरूर करें वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी नई वीडियो जब भी हम लेकर के आए नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो आप सभी देख रहे थे आयुर्वेदिक उपचार चैनल के माध्यम से। जुड़ते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।